नेटवर्क बेसिक्स यानी एनी के बिहाफ पर इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क बेसिक्स है तो सबसे पहले हमें यही डिफाइन करना होगा कि नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क का मतलब है एक से अधिक सिस्टम को इस तरह से हम कनेक्ट करें कि वो आपस में अपनी इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज कर सके। सो व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क मीन्स मोर देन वन होस्ट आर कनेक्टेड लाइक दैट दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन। एक से अधिक सिस्टम इस तरह से कनेक्टेड हों कि वो अपनी इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सके। टाइप ऑफ नेटवर्क की अगर हम बात करें, वैसे तो अगर हम देखें तो ज्योग्राफिकल एरिया के बिहाफ पर कैसे डिवाइड किया गया है और लॉजिकल नेटवर्क टाइप कैसे होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो लॉजिकल नेटवर्क टाइप वर्क ग्रुप डोमेन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा है। तो हम ज्योग्राफिकल एरिया के टाइप पर टाइप ऑफ नेटवर्क देखते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया के बिहाफ पर टाइप ऑफ नेटवर्क मीन्स लैन, कैन, मैन, वैन। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। एक स्मॉल एरिया को हमने नेटवर्क में कनेक्ट किया, स्मॉल एरिया कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, एक कैंपस के अंदर जितने हमारे लैन हैं, अवेलेबल लैन से उनको कनेक्ट कर दें, दैट इज कैन कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज योर मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक सिटी के नेटवर्क को अगर हम नेटवर्क में कनेक्ट कर दें, दैट इज योर मैन। एंड लास्ट वन इज योर वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जितने भी प्राइवेट और पब्लिक आईपी नेटवर्क हैं उन सबको अगर हम कनेक्ट कर दें तो उसे हम वैन कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन? वर्क ग्रुप क्या का मतलब क्या है? वर्क ग्रुप का मतलब है, बाय डिफॉल्ट आपके सारे सिस्टम वर्क ग्रुप के ही मेंबर होते हैं। वर्क ग्रुप के अंदर कोई सर्वर, कोई क्लाइंट नहीं होता है। ईच सिस्टम हैव ओन सिक्योरिटी, ओन मैनेजमेंट एंड ओन कंट्रोल। तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क ग्रुप इज दैट टाइप ऑफ नेटवर्क वेयर नो वन सिस्टम इज सर्वर और क्लाइंट। ईच सिस्टम हैव ओन सिक्योरिटी, ओन मैनेजमेंट एंड ओन कंट्रोल। देन नेक्स्ट वन इज योर डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन उस टाइप का नेटवर्क होता है जहाँ कम से कम एक सर्वर जरूर हो। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? आप डिफाइन करोगे, डोमेन इज दैट टाइप ऑफ नेटवर्क वेयर एट लीस्ट अ सर्वर एग्जिस्ट, सर्वर सिस्टम हैव सेंट्रलाइज सिक्योरिटी, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट एंड सेंट्रलाइज कंट्रोल। नेक्स्ट वन आपका आता है मीडिया। मीडिया के बारे में, कोई भी आप होस्ट और डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो तो मीडिया की ज़रूरत होती है। दो तरह की मीडिया होती है, बाउंडेड मीडिया और अनबाउंडेड मीडिया। अनबाउंडेड का मतलब है हम वाईफाई की बात कर रहे हैं, बाउंडेड का मतलब है कि हम केबल्स की बात कर रहे हैं। अनबाउंडेड आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी हो गई, 802.11 टेक्नोलॉजी हो गई, जिसमें 802.11A, 802.11B कई सारे आपके आए हुए हैं। अगर हम केबल्स की बात करें तो टाइप ऑफ केबल आपके तीन होते हैं, पहला ट्विस्टेड पेयर, दूसरा कोएक्सियल केबल और तीसरा फाइबर ऑप्टिक। ट्विस्टेड पेयर के दो पार्ट हैं, यूटीपी और एसटीपी। कोएक्सियल के भी दो पार्ट हैं, थिन नेट और थिक नेट। और फाइबर ऑप्टिक्स के भी दो पार्ट हैं, मोनो एंड मल्टी। अगर हम यूटीपी और एसटीपी की बात करें, आपको पता है ट्विस्टेड पेयर के अंदर चार पेयर होते हैं, फोर पेयर और टू पेयर, दो तरह के ट्विस्टेड पेयर आते हैं। टू पेयर हमारी टेलीफोन लाइंस में यूज़ होता है और फोर पेयर जो है हमारी नेटवर्किंग के लिए यूज़ होते हैं। अब अगर इनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है तो हम जो ये फोर पेयर्स हैं इनको अलग अलग शील्ड कर दें तो उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। तो यही इसके टाइप भी हैं। ट्विस्टेड पेयर के दो टाइप है, यूटीपी और एसटीपी। यूटीपी स्टैंड्स फॉर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एसटीपी स्टैंड्स फॉर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। आप ज़रूर देख लीजिएगा अलग अलग कैट के स्पीड और उनका मैक्सिमम डिस्टेंस। कैट एक, कैट फाइव से अब यूज़ होता है, कैट फाइव, कैट फाइव ई, कैट सिक्स, कैट सेवन, कैट एट। किस कैट के अंदर कितनी मैक्सिमम स्पीड आ रही है, आपसे हाईएस्ट स्पीड का कैट पूछा जा सकता है। सो यूटीपी और एसटीपी के बीच डिफरेंस क्या हो गया कि यूटीपी के अंदर जो है वो आपके ट्विस्टेड पेयर्स हैं लेकिन शील्डिंग नहीं है, यानी वो लो परफॉर्मेंस देती है, लेकिन एसटीपी के अंदर शील्डिंग यूज़ की गई है जिससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, और लेकिन ये कॉस्टली होता है। अगर हम कनेक्टर्स की बात करें
तो ट्विस्टेड पेयर के कनेक्टर होते हैं RJ45। मैंने पहले भी आपको बताया एक टू पेयर की वायर भी होती है जो कि RJ11 यूज़ करता है, और दूसरी जो आपकी यूज़ हो रही है ये RJ45 यूज़ करता है। फोर पेयर जो आप नेटवर्किंग के लिए यूज़ करोगे उसका कनेक्टर है RJ45। RJ का मतलब यहाँ होता है रजिस्टर्ड जैक। नेक्स्ट आता है आपका कोएक्सियल केबल। मैंने आपको बताया कोएक्सियल केबल आपका थिन नेट थिक नेट होता है, दोनों ही आपके BNC कनेक्टर यूज़ करते हैं जिसको हम T कनेक्टर भी कहते हैं। थर्ड वन इज़ योर फाइबर ऑप्टिक। मोनो और मल्टी टाइप के होते हैं। मोनो जो है वो सिंगल डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, और मल्टी फाइबर ऑप्टिक जो है मल्टीपल डेटा को हम एक साथ मिक्स करके मक्स और डिमक्स यूज़ करके एक में मर्ज करते हैं और उसको कम्युनिकेट करा सकते हैं। इसके लिए जो आपका फाइबर ऑप्टिक्स के लिए कनेक्टर यूज़ होता है वो कनेक्टर होता है SC और ST, यानी सर्कुलर और स्ट्रेट। नेक्स्ट है आपका प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब क्या है कि ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो एक अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं, और हर पोर्ट का अपना एक, हर प्रोटोकॉल का अपना एक यूनिक पोर्ट नंबर होता है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे HTTP मैंने ले लिया, HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है? 80, और इसका काम है वैन टू वैन कनेक्टिविटी। ठीक इसी तरह HTTPS का क्या पोर्ट नंबर होता है? HTTPS का पोर्ट नंबर होता है 443। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? सिक्योर चैनल के थ्रू वैन टू वैन कनेक्टिविटी। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTPS स्टैंड्स फॉर सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज योर FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये बेसिकली फाइल शेयरिंग के लिए यूज़ होता है। इसका पोर्ट नंबर है 20 और 21। टेलनेट कमांड प्रॉम्प्ट से रिमोट कनेक्टिविटी के लिए टेलनेट यूज़ किया जाता है जिसका पोर्ट नंबर है 23। TCP 23 है, ये रिमोट कनेक्टिविटी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू यूज़ किया जाता है। POP3 इज अ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल version 3। ये मेल रिसीविंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसका पोर्ट नंबर है 110, बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन SSL TLS पे इसकी वैल्यू बदल जाती है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये मेल सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है TCP पर 25, अगेन SSL TLS पे बदल जाएगा। IMAP4 भी मेल रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसकी वैल्यू होती है पोर्ट नंबर की TCP 143। DNS डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन को IP और IP को डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका पोर्ट नंबर होता है UDP 53। DHCP डायनामिक होस्ट कन्फिगर प्रोटोकॉल, जो ऑटोमेटिक IP एड्रेस देता है LAN में, इसका पोर्ट नंबर होता है UDP 67 और 68। नेक्स्ट है आपका IP वर्जन 4 की क्लासेस और इसकी रेंज। IP वर्जन 4 मैंने आपको बताया कि जीरो, अगर हम फर्स्ट ऑक्टेट के बिहाफ पर ही इसको केवल क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और इसकी क्लासेस की रेंज होती है, मतलब फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज होती है 0 से 255। लेकिन इसको इसी फर्स्ट ऑक्टेट के बिहाफ पर 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। अगर क्लास ए की रेंज देखें तो 0 से लेकर के 127 होती है, लेकिन 0 को रिजर्व रखा गया है किसके लिए? लूप बैक 0 को रिजर्व रखा गया है डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए। डिफ़ॉल्ट राउटिंग का मतलब क्या है? CCNA में आपने पढ़ा होगा अननोन नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करने के लिए हम 0 नेटवर्क यूज़ करते हैं। 127 को भी रिजर्व रखा गया है। 127 इज़ रिजर्व फॉर लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस क्या होता है? आपके खुद के सिस्टम के अंदर NIC कार्ड प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, उसके लिए लूप बैक एड्रेस यूज़ होता है। 127 इसकी रेंज होती है। तो क्लास ए हो गया 1 से 126, जो यूज़ किया जा सकता है। अब हम क्लास बी की बात करें तो क्लास बी स्टार्ट होता है 128 से और ये 191 तक जाता है, ठीक है। क्लास सी यूज़ होता है 192 से लेकर के 223 तक,
ये आपका जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी है, यही यूज़र क्लास के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, यानी 1 से लेकर के 223 के बीच में यूज़ कर सकते हैं, और उसके बीच में 127 यूज़ नहीं कर सकते हैं नेटवर्क में। इसके अलावा जब अगर हम क्लास डी की बात करें तो क्लास डी की रेंज है 224 से लेकर के 239, और ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होता है। अगर हम क्लास ई की बात करें तो 240 से लेकर के 255 इसकी रेंज है, लेकिन 255 अगेन रिजर्व फॉर द सबनेट मास्क, सो इट्स रिजल्टेंट वैल्यू इज 240 टू 254, दैट इज रिजर्व फॉर मिलिट्री एंड रिसर्च पर्पस। 255 रिजर्व रखा गया है सबनेट मास्क के लिए। देन व्हाट इज दिस सबनेट मास्क? सबनेट मास्क को डिफाइन करिए। सबनेट मास्क वो वैल्यू है जो ये बताता है कि आईपी एड्रेस के अंदर कितने बिट नेटवर्क के लिए काम कर रहे हैं। यानी इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? सबनेट मास्क इज द वैल्यू विच डिफाइन नेटवर्क बिट इन अ आईपी एड्रेस। अगर हम स्टैंडर्ड सबनेट मास्क की बात करें तो क्लास ए के लिए स्टैंडर्ड सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0, क्लास बी के लिए होगा 255.255.0.0, क्लास सी के लिए होगा 255.255.255.0। नाउ व्हाट इज अपीपा आईपी? अपीपा आईपी क्या होता है? अपीपा की पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। मान लीजिए आप अपने सिस्टम को दो तरह से आईपी दे सकते हो, स्टैटिक आईपी और ऑप्टेंड आईपी। आपने ऑप्टेंड आईपी पर किया, ऑप्टेंड आईपी पर क्या होगा, आपका सिस्टम जाएगा डीएससीपी को ढूंढने कि भाई कहाँ पर तुम हो, मुझे आईपी एड्रेस दे दो। लेकिन अगर डीएससीपी नेटवर्क में अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में आपके सिस्टम को कोई आईपी नहीं मिलेगी। जब डीएससीपी नेटवर्क में नहीं होता है, उस कंडीशन में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप एक आईपी अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर देता है जिसकी रेंज होती है 169.254.0.0 से लेकर के 169.254.255.255, दैट इज अपीपा रेंज। समझा दिया मैंने आपको? अब मैं इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ कि आप इंटरव्यूअर को कैसे डिफाइन करोगे। अपीपा आईपी मींस ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। व्हेन आवर डीएससीपी इज नॉट अवेलेबल इन द नेटवर्क, इन दैट केस माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ डिफाइन अ एड्रेस ऑफ द रेंज 169.254.0.0 टू 169.254.255.255 इज कॉल्ड अपीपा आईपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपीपा आईपी। नेक्स्ट इज योर ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल आपको एक रेफरेंस मॉडल दिया गया है 7 लेयर्स का, बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है, ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे ओएसआई मॉडल को? ओएसआई मॉडल मींस एक रेफरेंस मॉडल दिया गया टू स्टैंडर्डाइज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन गिवन अ रेफरेंस मॉडल इज कॉल्ड ओएसआई मॉडल। ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सो व्हाट इज ओएसआई? टू स्टैंडर्डाइज द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ISO given a reference model is called OSI model। अब आपको अगर OSI model की बात की जाए तो basically आपके 7 layers होते हैं। ये 7 layer transmitting end से भी दी जा सकती है और receiving end पर भी दी जा सकती है। transmitting end मतलब जो data send कर रहा है उसके पास, अगर आपको transmitting end से OSI layer, ये हमेशा sequence में बताई जाती है, यानी आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर हम ट्रांसमिटिंग एंड से ओएसआई लेयर समझाएं तो आप कहोगे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल लेयर। अगर आप रिसीविंग एंड से बताओगे तो नीचे से बताओगे फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर। तो आपको लेयर्स के नाम पता होने चाहिए। ये भी हो सकता है कभी वो आपको डिफाइन कर दे कि ट्रांसमिटिंग एंड से बताओ, तो आपको ट्रांसमिटिंग एंड से बताना पड़ेगा। अगर आप वो कह दिया रिसीविंग एंड से बताओ, तो रिसीविंग एंड से बताना पड़ेगा। अगर उन्होंने सिंपल कहा नेम द ओएसआई लेयर, तो इट्स ऑन यू, आप ट्रांसमिटिंग एंड से भी बता सकते हो और रिसीविंग एंड से भी बता सकते हो। नेक्स्ट है आपका पीडीयू ऑफ ईच लेयर। हर लेयर पे पीडीयू क्या क्या होते हैं?
पीडीयू बता देती हूँ, ऊपर के तीन लेयर्स यानी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन का पीडीयू सेम होता है डेटा। इन तीनों के लिए आप सिंपल कहोगे कि डेटा है, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन का डेटा है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर का पीडीयू है सेगमेंट। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर का पीडीयू है आपका पैकेट। नेक्स्ट है आपका डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर का पीडीयू है फ्रेम। और फिजिकल लेयर का पीडीयू है बिट। कभी कभी इंटरव्यू क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ नहीं है, फिर भी बता देती हूँ, डेटा लिंक लेयर के सब लेयर्स पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डेटा लिंक के दो सब लेयर्स हैं, LLC और MAC। नेक्स्ट है आपका बेसिक फंक्शंस डिफाइन करना हर लेयर का। फिजिकल लेयर से स्टार्ट करती हूँ। फिजिकल लेयर का बेसिक फंक्शन है बिट स्ट्रीमिंग। डेटा लिंक लेयर का बेसिक फंक्शन है मैक एड्रेस अटैचमेंट। नेटवर्क लेयर का बेसिक फंक्शन है IP एड्रेस अटैचमेंट। ट्रांसपोर्ट लेयर का बेसिक फंक्शन है सेगमेंटेशन और कनेक्शन वेरिफिकेशन। और इसके बाद सेशन लेयर का आपका बेसिक फंक्शन है सेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डुप्लेक्सिंग। डुप्लेक्सिंग भी एक मेन क्वेश्चन है, मैं भी आगे आपको डिफाइन करूँगी। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉरी, प्रेजेंटेशन लेयर का मेन फंक्शन है आपका फॉर्मेट चेकिंग। और एप्लीकेशन लेयर का मेन फंक्शन है आपका इंट्रोडक्शन और इंट्रोड्यूस करना डेटा को। ये बेसिक फंक्शन हो गए 7 लेयर्स के। अब प्रोटोकॉल की बात करते हैं। फिजिकल लेयर पे कोई प्रोटोकॉल्स काम नहीं करता है, लेकिन अगर हम डेटा लिंक की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है ईथरनेट के ऊपर ही मैक एड्रेस होता है, तो आप कह सकते हो इसका प्रोटोकॉल क्या होता है, ईथरनेट होता है। नेटवर्क लेयर का बेसिक फंक्शन मैंने आपको बताया IP एड्रेस अटैचमेंट, तो इसका मेन प्रोटोकॉल हो गया IP और IPX। ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैंने आपको बताया सेगमेंटेशन और कनेक्शन वेरिफिकेशन। कनेक्शन वेरिफिकेशन क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन और कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड काम करता है TCP के ऊपर और कनेक्शन लेस काम करता है UDP के ऊपर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के मेन प्रोटोकॉल हैं TCP और UDP। इसके बीच में डिफरेंस भी इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सेशन लेयर पे। सेशन लेयर के प्रोटोकॉल जो हैं वो आपके NFS और यूनिक्स है, लिनक्स में आता है NFS और यूनिक्स, ये इसके सेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही इसका मेन काम है। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का मेन फंक्शन है फॉर्मेट चेकिंग। जितने तरह के फॉर्मेट्स होते हैं MP3, MP4, ASCII, BCD, EBCD, IC, ऑल दीज आर द फॉर्मेट्स ऑफ द डेटा। तो ये सारे फॉर्मेट्स चेकिंग जो होते हैं वो प्रेजेंटेशन लेयर पर होते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन लेयर का जो मेन प्रोटोकॉल है वो होता है आपका HTTP, HTTPS, इसके अलावा FTP, Telnet, जितने प्रोटोकॉल्स बच गए ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन लेयर के हैं। अब मेन बात आती है डिवाइसेस की, कौन सा डिवाइस किस लेयर पे काम करता है और क्यों, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। वाई राउटर वर्क ऑन नेटवर्क लेयर, वाई स्विच वर्क ऑन डेटा लिंक लेयर, या वाई हब और रिपीटर वर्क इन फिजिकल लेयर। एक्सप्लेन करते हुए बताती हूँ आपको। सबसे पहले फिजिकल लेयर की हम बात करते हैं। फिजिकल लेयर के डिवाइसेज हैं हब, रिपीटर, मॉडम। ये तीनों ही सिग्नलिंग के बिहाफ पर काम करते हैं, इसलिए ये फिजिकल लेयर पर रखे गए हैं। सेकेंड, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है स्विच। स्विच मैक एड्रेस के बिहाफ पर काम करता है, इसलिए उसको डेटा लिंक लेयर पे रखा गया है। थर्ड आता है आपका नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का डिवाइस है राउटर, क्योंकि राउटर IP के बिहाफ पे काम करता है, इसलिए उसको थर्ड लेयर पे रखा जाता है। लेकिन कभी कभी HR आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछते हैं, इज देयर एनी टाइप ऑफ स्विच विच वर्क ऑन लेयर 3? क्या ऐसा कोई स्विच है जो लेयर 3 पर भी काम करता है? आपका आंसर होगा यस। द लेयर 3 स्विचेज आर हाई एंड मैनेजेबल स्विच। जो हमारे हाई एंड कोर स्विचेज हैं, जो मैनेजेबल स्विच हैं, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी हाई है, इसलिए उनको लेयर 3 पर रखा गया है। यानी नेटवर्क लेयर पर लेयर 3 स्विचेज होते हैं, हाई एंड स्विचेज होते हैं और राउटर होते हैं। सो दीज आर द डिवाइसेज। OSI लेयर सारा कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम टोपोलॉजी पर आते हैं। टोपोलॉजी का मतलब होता है पिक्चर ऑफ द नेटवर्क। आपके नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसा है,
दैट इज़ योर टोपोलॉजी. देर आर टू टाइप ऑफ टोपोलॉजी, फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी. फिजिकल टोपोलॉजी ये बताती है कि पिक्चर कैसा है आपके नेटवर्क का, पिक्टोरियल व्यू क्या है आपके नेटवर्क का. और लॉजिकल टोपोलॉजी ये बताती है कि डेटा कैसे कम्युनिकेट कर रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन तक. लेकिन इन दोनों के अलावा, इन दोनों को मर्ज करते हुए टाइप ऑफ टोपोलॉजी की बात करें तो बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ड्यूअल रिंग, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी, ये सारे टोपोलॉजीज, इसमें डिफरेंट टाइप के टोपोलॉजीज आपके होते हैं. इनमें से जो रियल सिनेरियो में बेस्ट टोपोलॉजी है, दैट इज़ योर स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी का मतलब है कि आपके जितने भी होस्ट हैं वो कनेक्ट करने के लिए एक सेंट्रलाइज डिवाइस यूज़ करते हैं, दैट मे बी योर हब और स्विच. और इससे कॉन्फ़िगरेशन एंड रिकॉन्फ़िगरेशन दोनों इजी हो जाता है. इसीलिए रियल सिनेरियो का बेस्ट टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हब और स्विच के बीच में डिफरेंस क्या है. हब एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है, स्विच एक यूनिकास्ट डिवाइस है. हब लेयर वन यानी फिजिकल लेयर पे काम करता है, स्विच डेटा लिंक लेयर पे काम करता है. हब के पास कोई मेमोरी नहीं है, स्विच के पास एक टेम्परेरी मेमोरी, कैम मेमोरी काम करती है, जिसके बिहाफ पर ये फास्ट यूनिकास्ट मैसेजिंग करता है. हब स्लो है, स्विच फास्ट है. और रियल सिनेरियो का मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी, मोस्ट पॉपुलर डिवाइस है स्विच. नेक्स्ट आता है आपका TCP और UDP के बीच में डिफरेंस. TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. TCP कनेक्शन ओरिएंटेड काम करता है और UDP कनेक्शन लेस काम करता है. TCP जो है ये स्लो है, UDP फास्ट है, लेकिन TCP रिलायबल है, एक्नॉलेजमेंट देता है, और UDP अनरिलायबल है और एक्नॉलेजमेंट नहीं देता है. TCP कनेक्शन ओरिएंटेड काम करता है और UDP कनेक्शन लेस काम करता है. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन TCP एंड UDP. TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. नेक्स्ट इज योर 568A और 568B कलर कोडिंग. आपको पता होगा IATA ने एक स्टैंडर्ड कलर कोडिंग अरेंजमेंट दे रखी है, जिसके कारण एक ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन हो सके कम्युनिकेशन का. तो अगर हम 568B की बात करें तो इसकी कोडिंग है ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन. अगर हम 568A की बात करें तो ग्रीन वाइट ग्रीन, ऑरेंज वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ऑरेंज, ब्राउन वाइट ब्राउन. आपको कलर कोडिंग टिप्स पर याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाता है. तो हमने एनी के सारे क्वेश्चंस कवर किए, जिसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा. इसके अलावा भी एनी में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको उन्हें भी देखना चाहिए.